भ्रष्टाचार ने पहले से ही पूरे क्षेत्र में पैर पसारे हुए और इस कोरोना महामारी ने भी उसने अपना प्रकोप कैसे दिखाया, ये हम अपने अभिनय से बताने जा रहे हैं। इस नाटक में अभिनय कर रही हैं मरीज के रोल में अवनी, डॉक्टर के रोल में अगस्त्य, मरीज की बहन के रोल में काव्या, केमिस्ट के रोल में मीमांसा, नर्स के रोल में आरोही। देखिए देखिए, इसे सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है, आप प्लीज डॉक्टर को जल्दी बुलाइए, जितना भी खर्चा होता है मैं दे दूंगी। अभी आती हूँ। मैं कितना भी रुपए देने को तैयार है, उन्हें क्या कहूँ? उन्हें कहो अभी एक बेड खाली होने वाला है, तो उन्हें कहो लाख रुपए अगर ज्यादा देंगे तो हम बेड की व्यवस्था करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी बेड की व्यवस्था करवा रही है, आप 1,00,000 रुपए वहाँ जमा करवा दीजिए। ठीक है, मैं जमा करवा देती हूँ। इन्हें इमरजेंसी ऑक्सीजन चढ़ाना होगा, आप ये सब दवाइयाँ लेकर आ जाइए। ठीक है डॉक्टर, अरे दीजिए। रुकिए रुकिए, आप ये लाइन देख रहे हैं ना, इन सबको इमरजेंसी है, यहाँ कोई घूमने नहीं आता है। भैया इमरजेंसी है, जल्दी दवाइयाँ दीजिए। दिखाइए आपका पर्चा। अरे ये तो आज ही खत्म हुई है, कल आएंगी। आपको इमरजेंसी है तो इमरजेंसी पैकेट के डबल चार्ज लगेंगे। भैया कोई खा लीजिए। नर्स कल जो पेशेंट की दवाइयाँ दी थी ना, 2 पैकेट, उसमें से 1 पैकेट लेके आओ। ठीक है, लाती हूँ। मैं आपका बिल बना देती हूँ, तब तक आप अपने भाई के पास जाओ, मैं नर्स से भिजवा दूंगी। ये दवाइयाँ पेशेंट की सिस्टर को दे दो। ठीक है डॉक्टर, इन्हें कोरोना हुआ है और वेंटिलेटर पर रखना होगा, और अब आप जाइए और 5,00,000 रुपए भरवा दीजिए रिसेप्शन पर। ठीक। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसा है? अभी उनकी तबीयत थोड़ी रिकवर हो गई है, पर थोड़ा टाइम लगेगा, आप 5,00,000 रुपए और जमा करवा दीजिए। और 5,00,000? इतने तो हम आप कहाँ से लेकर आएंगे? आपको पता है दवाइयाँ बाहर से आती है और वेंटिलेटर की भी फीस ज़्यादा रहती है। आप चाहो तो हम उन्हें वेंटिलेटर से हटा सकते हैं। नहीं नहीं, जितने भी रुपये लगे आप उसका इलाज करिए। ठीक है। देखिए अभी आपके भाई की हालत वेंटिलेटर पे भी कवर नहीं हो पा रही है और 85% लंग्स डैमेज हो गए, तो हम उन्हें वेंटिलेटर से हटा रहे क्योंकि अब कोई फायदा नहीं वेंटिलेटर पे रखने से। क्यों, आपने तो कहा था कि वो ठीक हो जाएगा, आप मुझे पहले उससे वीडियो कॉल पे तो बात करवाइए। लीजिए करवा दूंगी। मरीज 40 साल के 60 साल का दिख रहा है। ये क्या हो गई है हालत मेरे भाई की? देखा कैसे डॉक्टर और दुकानदार ने भ्रष्टाचार से लोगों के धन को के साथ उनकी जान को भी खत्म कर दिया सिर्फ अपने लालच के कारण। अब हम भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले डॉक्टर और नर्स दुकानदार से मिलते हैं, और जा वो मरीज के लिए भगवान भी होते हैं।